नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश खाद्य विभाग भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत खाद्य विभाग के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है, जो कि दोस्तों इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह है कि यह भर्ती आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही परमानेंट गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आपका कोई रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा भी होने वाली नहीं है, और आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपका कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बनी रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सर्वप्रथम आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई खाद्य विभाग न्यू भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अब हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते होंगे संचनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण यानी कि MP हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इस न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 2/8/2024 से कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यह भर्ती मुख्य रूप से दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती का मतलब यह नहीं है कि इस भर्ती के लिए केवल दिव्यांगजन यानी कि डिसेबल उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, काफ़ी सारे उम्मीदवार स्वस्थ रहते हैं लेकिन उनके लिए थोड़ी सी सुनने में प्रॉब्लम होती है या फिर देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके पास दिव्यांग का कार्ड होता है। तो यदि आपके पास भी वह कार्ड है, तो आप सभी भी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, यह भर्ती आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही परमानेंट गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाली। जी हाँ दोस्तों, यह भर्ती आपकी संविदा के आधार पर रहने वाली नहीं है, आप सभी के लिए परमानेंट नियुक्ति मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन बिल्कुल ही सीधी भर्ती यानी कि केवल इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। इसमें आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आप सभी के लिए केवल इंटरव्यू के माध्यम से ही सिलेक्शन मिलने वाला है। दोस्तों, तो यदि अब हम इसके पश्चात टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि पदों की संख्या की बात करें, तो आप सभी नीचे दिए गए इस टेबल के माध्यम से संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुल मिलाकर 27 पदों पर रिलीज किया गया। आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के आप सभी के लिए 22 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, और वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के आप सभी के लिए कुल मिलाकर 5 पद देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके पश्चात जानते हैं कि इस वैकेंसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे, यदि आपने उद्यानिकी में स्नातकोत्तर पास किया हुआ है, तो आप सभी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने कृषि, कृषि अभियांत्रिकी या फिर उद्यानिकी में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, तो आप सभी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी भर्ती के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। आप सभी के लिए पर मंथ 5,000 से लेकर 20,000 रुपये का वेतन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पद के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, और यदि आप सभी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के पदों पर चयनित होते हैं, तो आप सभी के लिए पर मंथ 9,000 से लेकर 34,000 तक का वेतन मिलने वाला है। साथ ही साथ आप सभी के लिए ग्रेड पे यानी कि भत्ता भी अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, यदि अब हम महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे, इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ ऑलरेडी ही किया जा चुका है, और आप सभी 20/8/2024 तक इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी www.mphorticulture.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर भी सफलतापूर्वक विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अब हम इसके पश्चात एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात करें, तो आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे, इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी की मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आप सभी के लिए
45 वर्ष देखने के लिए मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन बिल्कुल सीधी भर्ती यानी कि इंटरव्यू के बेसिस के आधार पर होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पर प्रदान की गई सभी जानकारियों को एक एक करके ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके पश्चात जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, तो यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी की आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ही ऑफलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप सभी के लिए इस फॉर्मेट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों, इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के पश्चात आप सभी के लिए इस फॉर्मेट में मांगी एक एक करके सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है और यहाँ पर आप सभी के लिए अपनी फ़ोटो को अटैच कर लेना है। दोस्तों, सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करने के पश्चात आप सभी के लिए इस फॉर्म में सभी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर लेना है। अब दोस्तों, आप सभी के लिए इस फॉर्मेट को डाक के माध्यम से या फिर आप स्वयं भी जाकर इस फॉर्मेट को इस पते पर जमा कर सकते हैं, जो कि आप सभी यहां पर देख सकते होंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस फॉर्मेट को आप सभी के लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग विध्यांचल भवन 6वीं मंजिल अरेरा हिल्स भोपाल इस पिन कोड पर आप सभी के लिए भेज देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी का आवेदन सफलतापूर्वक ही कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है, तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली हर एक न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।